धर्म में यज्ञ पवित्र या मुंडन की प्रथा सदियों पुरानी है और वो बच्चे किस जन्म पर असर डाल सकती हैं, इसलिए मुंडन को जरूरी माना गया है। इसके बाद ही यज्ञ पवित्र जनेऊ धारण किया जाता है। लेकिन केशव के परिवार के लिए वो दिन अशुभ बन गया। उनका इकलौता लड़का उसी दिन एक हादसे का शिकार हो गया। एक ब्रह्म दैत्य मुंजा के श्राप ने पूरे खानदान को संकट में डाल दिया। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम केशव का मुंडन होते हुए देखते हैं। पूरा परिवार इस शुभ दिन के लिए काफी खुश था। सारी तैयारियां जोर शोर से हो चुकी थी और केशव के मुंडन के एक साल बाद सूर्यभान के बेटे वंश का भी मुंडन था। पर जब केशव का मुंडन पूरा ही होने वाला था कि तभी उसके ऊपर बंधा कलश टूटकर केशव के सर पर गिर जाता है और केशव की मौत हो जाती है और एक खुशी का माहौल गम के माहौल में बदल जाता है, जिसके बाद कहानी एक साल आगे बढ़ जाती है और सूर्यभान अपने बेटे वंश के मुंडन के लिए पंडित जी से शुभ मुहूर्त निकलवाता है और पंडित जी 11 जुलाई की तारीख फिक्स कर देते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि कोई शक्ति 11 की जगह 13 जुलाई को मार्क कर देता है और जब पंडित जी सभी को 11 जुलाई की तारीख बताने ही वाले थे कि तभी वो जब घर की काम वाली बाई वंश को दूध देने जाती है तो उसे एक जोर का धक्का लगता है और दूध फैल जाता है और जब वो उसे साफ करने के लिए वापस आती है तो उसे दूध के ऊपर पैरों के निशान दिखाई देते हैं। पर उसे लगता है कि ये जरूर वंश बाबा का ही काम होगा। पर वो ये नहीं जानती थी कि मुंजा का साया इस घर पर पड़ चुका है। कौन है ये मुंजा, ये ब्रह्म दैत, ये हमें आगे पता चलेगा। वहीं जब छाया स्टोर रूम में काम कर रही थी तो उसे लगता है जैसे कोई उसके आसपास है और जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो उसका हाथ एक फाइल पर पड़ता है जिसमें कुछ न्यूज की कटिंग थी और जब वो उसे पढ़ती है तो उसमें उसे केशव की मौत की खबर दिखाई देती है और मौत की तारीख भी 13 जुलाई थी, जिसे देखकर उसके मन में एक अजीब सा डर घर कर जाता है और तभी हमें उसके पीछे एक साया दिखाई देता है और वो तुरंत सूर्यभान को ये बात बताने जाती है कि मेरा दिल बैठा जा रहा है, आप इस मुंडन को टाल दीजिए। ये देखिए, केशव का मुंडन भी 13 जुलाई को था जिस दिन उसकी मौत हुई थी और वंश का मुंडन भी 13 जुलाई को ही है। आप पंडित जी से पहले ये बात की कोई तारीख निकलवा लीजिए। पर सूर्यभान कहता है कि छाया ये बस तुम्हारा बहम है और पंडित जी ने कहा था कि यही सबसे अच्छा मुहूर्त है। पर छाया इसे मानने को तैयार नहीं थी और वो सीधा माँ जी को जाकर भी यही बात बताती है कि माँ जी कोई है जो हरदम हम पर नजर रख रहा है, जो इस मुंडन को नहीं होने देना चाहता, हमें किसी भी तरह इस मुंडन को टालना होगा। भाई जब वंश खेल रहा होता है कि तभी काफी सारी बॉल उसके पास आकर गिरती है और तभी उसे किसी की परछाई दिखाई देती है और जब वो जाकर देखता है तो कोई उसका हाथ पकड़ लेता है और वो जोर से चिल्लाता है, जिसकी आवाज सुनकर सभी उसके पास दौड़े आते हैं। जब वंश की तबीयत काफी खराब हो चुकी थी, उसे काफी तेज बुखार भी आ गया था। जब छाया कहती है कि माँ जी जब हम इस कमरे में आ रहे थे तो हमने किसी को भागते हुए देखा, आप हमारी बात का यकीन कीजिए, इस मुंडन को रोक दीजिए। पर सूर्यभान अभी भी इसे बस बकवास समझ रहा था। भैया मुंडन होने का दिन भी आ गया था, सारी तैयारियां भी पूरी हो चुकी थी और तभी छाया देखती है कि रघु ने उसी कलश को बांधा हुआ है जिससे केशव की मौत हुई थी। तो छाया तुरंत उसे उतारने को कहती है पर पंडित जी मना करते हैं कि इसके बिना शुद्धिकरण नहीं हो सकता। जब सूर्यभान भी मना करता है कि ये कलश नहीं उतरेगा और आप अपने बहम से बाहर आइए और वंश को जाकर तैयार करिए, पर वंश तो वहाँ पर नहीं था और छाया तुरंत उसे ढूंढने चली आती है और जब वो उसे ढूंढ रही होती है कि तभी उसे एक साया दिखाई देता है और अचानक से गायब हो जाता है और तभी वो साया साफ साफ छाया को दिखाई देता है, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है और वो मुंजा उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। वो काफी चीखने और चिल्लाने लगती है कि तभी सूर्यभान भी वहाँ जाता है और वो मुंजा गायब हो जाता है। छाया सभी को बताने की कोशिश भी करती है कि मैंने एक बच्चे का भूत देखा, वो अभी यहीं था, यकीन कीजिए हमारा, वो हमारे वंश को नुकसान पहुंचाना चाहता है। और छाया तुरंत वंश के कमरे की तरफ भागती है जहाँ वंश और भी बीमार हो गया था। जहाँ वंश कह रहा था कि मुझे मुंडन नहीं करवाना, मुझे मत मारो, और तभी छाया कहती है कि हमारी बात मान लो, इस मुंडन को रोक दो, नहीं तो हमारे बेटे को कुछ हो जाएगा। पर सूर्यभान को अभी विश्वास नहीं था और वो भूत वाली बात नहीं मानता। पर माँ जी कहते हैं कि वंश की हालत अभी ठीक नहीं है, हमें मुंडन टालना ही होगा। यह सूर्यवान कहता है कि ठीक है, मैं पंडित जी से बात करके आता हूँ। और उसी रात जब माँ जी वंश के पास बैठी अपनी माला जप रही थी
कि तभी वो आत्मा उनकी माला को हवा में लटकाकर दूर फेंक देता है और माला के मोती गोल गोल घूमने लगते हैं, जिसे छाया भी देखती है। यमा जी कहती हैं कि ये जरूर कोई शक्तिशाली आत्मा है जो जाप माला को भी तोड़ सकती है। और अब छाया को पूरा यकीन हो गया था कि जरूर हमारे घर पर किसी आत्मा का साया है, पर वो हमसे चाहती क्या है। वही जब छाया इस सोच में बैठी हुई थी कि तभी काम वाली वाई आकर कहती है कि मालकिन, कल मैंने घर जाकर बाबा से कहा कि मुंडन के दिन अचानक बंस बाबा की तबीयत खराब हो गई, तो उन्होंने कहा कि जब से वो ब्राह्मण का लड़का मरा है तब से आपके खानदान में मुंडन के समय बच्चों के साथ कुछ ना कुछ अजीब होता रहा है। जिसे सुनकर छाया कहती है कि कौन ब्राह्मण का लड़का, बताओ मुझे। यहाँ वो कहती है कि वो तो मुझे नहीं पता, शायद आपको बाबा कुछ बता सके। और दोनों तुरंत बाबा के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ वो बताते हैं कि बेटा ये बात 25 साल पुरानी है, मुझे ठीक से याद नहीं पर इतना जरूर पता है कि वो हादसा नहर वाली जमीन पर हुआ था और मालिक का बेटा मुंडन के कुछ दिन बाद ही मर गया था, बस तब से ये सब चला आ रहा है। जहाँ छाया कहती है कि मुझे वहाँ ले चलो, शायद मुझे मेरे सवालों का कुछ जवाब मिल जाए। वहीं जब माँ जी बंस के पास बैठी हुई थी कि तभी वो देखती है कि बंस के हाथों पर अजीब तरह के दाग आ चुके हैं और बंस दादी से पानी मांगता है और दादी तुरंत उसे पानी ला कर देती है। बंस नहीं कोई और है, तो वो तुरंत बंस के साथ कमरे से बाहर चली जाती है। वहीं जब छाया नहर वाली जमीन पर बने घर के पास जाती है जो पूरी तरह से खंडर बन चुका था, वहाँ उसे ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता जिससे उसे कुछ क्लू मिले। ये जमीन श्री चंद्रभान दीवान की संपत्ति है, बिना आज्ञा आने वाले पे कार्यवाही की जाएगी। चंद्रभान दीवान छाया के ससुर थे जो मर चुके हैं और उसे समझ आ जाता है कि शायद ससुर जी का उस पंडित के साथ कुछ तो राज है, पर क्या वो उसे उसी फाइल मिल सकता है। और वो तुरंत जाकर उस फाइल को चेक करती है जिसमें उसे उस जमीन की वसीयत मिलती है जो किसी ब्रजेश शर्मा की थी, जिसमें एक शपथ पत्र था कि ब्रजेश अपने होशो आवास में ये जमीन तय रकम पर चंद्रभान दीवान के नाम कर रहा है और तारीख थी 13 जुलाई 1987। और वो तुरंत जाकर वो दस्तावेज माजी को बताती है और कहती है कि ये है वो कागजात जिस जमीन पर उस ब्राह्मण लड़के की मौत हुई थी, अब आप ही बताइए कि वो ब्राह्मण कौन था। पर माजी को उस ब्राह्मण के बारे में कुछ पता नहीं था। जहाँ छाया कहती है कि हमें तो लगता है ये भाई ब्राह्मण लड़का है जो हमारे वंश को मानना चाहता है, पर तभी सूर्य भान आकर कहता है कि तुम्हारे ऊपर से उस भूत का भूत नहीं उतरा है। तुम कहना चाहती हो कि ये जमीन, कि इसमें साफ साफ लिखा है कि ये जमीन तय रकम पर उस ब्राह्मण ने बापू को बेची थी। यह छाया कहती है कि एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए कि इस कागजात पर भी 13 जुलाई की तारीख लिखी है और आज तक 13 जुलाई को ही सारे हादसे भी हुए हैं, ये एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। पर सूर्यवान कहता है कि तुमने बस 13 जुलाई का बहम पाल लिया है और कुछ नहीं, मैं बंस को अस्पताल लेकर जा रहा हूँ, मैं अभी तैयार होकर आता हूँ। और जब सूर्यवान जा रहा होता है कि तभी उसे किसी की आंखें चमकती हुई दिखाई देती हैं और वो ब्राह्मण लड़का वो मुंजा उसके सामने आ जाता है, जिसे देखकर सूर्यभान भी काफी डर जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि छाया सच बोल रही है। और वो छाया को भी आवाज लगाता है और दोनों को अभी भी वो मुंजा दिखाई दे रहा था और छाया सूर्यभान को वहाँ से ले जाती है, जिसके बाद वो सीधा अपने कुल मंदिर जाकर गुरुजी से मिलकर बीती सारी घटना बताते हैं। जहाँ वो कहते हैं कि वो आत्मा साधारण आत्मा नहीं बल्कि एक मुंजा है, ऐसा ब्राह्मण या बालक जिसके मुंडन के समय अचानक से मौत हो गई हो या मुंडन के 10 दिन के अंदर मौत हो गई हो, तो ऐसा ब्राह्मण एक मुंजा बन जाता है, एक ब्रह्म दैत्य जिसे काबू करना नामुमकिन है। पर हमें पहले ये पता लगाना होगा कि आखिर वो मुंजा चाहता क्या है और वो कौन है। यह छाया बताती है कि ये सारी घटना 13 जुलाई को ही होती है और मुझे लगता है कि शायद ये आत्मा वो ब्रजेश शर्मा का ही लड़का है। जहाँ पंडित जी कहते हैं कि हाँ याद आया, पर ब्रजेश अब इस दुनिया में नहीं है, पर उसकी पत्नी जिंदा है जो पास के ही गांव में रहती है, अब वही इस मुंजा को रोक सकती है। यदि ये मुंजा उन्हीं का लड़का होगा तो आप जाइए और उनसे मदद मांगिए। और दोनों तुरंत पूछते पाछते उनके घर तक पहुँच जाते हैं, जहाँ वो कहती है कि मुझे पता था आप लोग एक दिन मेरे पास जरूर आएंगे, तुम्हारे खानदान पर श्राप जो है उसका फल तो भुगतना ही होगा। वह छाया पूछती है कि कैसे श्राप, आखिर हम लोगों ने किया क्या है। जहाँ वो कहती है कि इसके बाप ने किया है, उसने मेरा संसार उजाड़ डाला
वो हमारी नहर वाली जमीन पर कब्जा करना चाहता था, हमारी जमीन को हड़पना चाहता था, पर मेरे पति ने साफ साफ मना कर दिया उस जमीन को बेचने से। पर तेरे बाप चंद्रभान ने कहा कि ये जमीन तो मैं लेकर रहूंगा तेरे जीते जी या तेरे मरने के बाद। और वहीं जब मेरे बेटे नयन का यज्ञ पवित्र मुंड हो गई और मेरे पति ने तेरे पूरे खानदान को श्राप दिया कि कभी भी तेरे घर में मुंडन नहीं होगा, जिस तरह मेरा बेटा मरा है मुंडन वाले दिन तेरे बेटे भी मरेंगे, फिर भी तेरे बाप ने वो जमीन अपने नाम करवा ली। यह छाया कहती है कि ससुर जी की गलती की सजा अब हमारा पूरा परिवार भुगत रहा है, अब आप ही मेरे बेटे की जान बचा सकती हैं। क्या आप नहीं चाहती कि आपके बेटे को मुक्ति मिले, उसकी आत्मा को शांति मिले? हम आपके हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं, मेरे बेटे को बचा लीजिए। वहीं जब वंस मंदिर में बैठा होता है कि तभी उसे अपनी माँ छाया दिखाई देती है जो उसे अपने पास बुला रही थी, और वंस उसके पास चला जाता है। जब माँ जी उसे रोकती भी है पर वो छाया नहीं वो मुंजा था जो वंस का गला दबाकर मारने लगता है। और तभी नयन की माँ आकर कहती है कि बेटा इन्हें छोड़ दे, मैंने इन्हें माफ कर दिया है, तू अपने पिता के श्राप के कारण कई लोगों की जान ले चुका है, अब इन्हें माफ कर दे। और नयन वंस को छोड़कर गायब हो जाता है। यहाँ गुरुजी कहते हैं कि हमें नयन की आत्मा की शांति के लिए हवन करना होगा, तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। और गुरुजी यज्ञ कर नयन की आत्मा को मुक्त कर देते हैं। और छाया और सूर्यवान नयन की माँ के कहने पर वंस का नाम बदल कर नयन रख देते हैं। और इसी के साथ मुंडन मुंजा एक ब्रह्म दैत्य इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।